है गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं जैसे कि मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पहले एडवांस पोर्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहले एलजैबरा कम्प्लीट किया और साथ साथ हमने एल्जैब्रा में पूछे जाने वाले सी द्वारा एस एस सी द्वारा टी एयर फर्स्ट और टीयर टू के दो और दो के सारे के सारे क्वेश्चन करे थे उसी तरीके से फिर हमने टेक्नोमेट्री स्टार्ट किया और उसमें हमने 2022 और 2023 के सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं 2022 के सी में पूछे गए मैंने आपके सारे क्वेश्चंस पिछली वीडियो में करा दिए थे और आज हम करेंगे सन 2023 में सी में प्री प्लस मेन से पूछे गए सवाल टोटल बहत्तर सवाल पूछे हैं तो आइए चल चले चलिए उनको शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साइन ए प्लस बी इक्वल टू वन एंड कोर्स ए माइनस बी इज इक्वल टू वन बाई टू देन फाइंड ए देखिए मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन ये करा रखे हैं और जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं उनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में पढ़नी है तो आप सारे की सारी वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं जहाँ पर हर एक वीडियो का आपको लिंक दिया गया है तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास वन साइन साइन ए प्लस बी आपको देखना है कि जो साइन ए प्लस बी वन कहाँ वन कहाँ मिल देता है साइन तो साइन ए प्लस बी और वन देता है साइन नाइन्टी पर यानी कि इसको मैं साइन नाइन्टी लिख सकता हूँ अगर मैं कंपेयर करूँ तो साफ साफ मुझे क्या दिख रहा है कि जो ए प्लस बी है वो मेरा नाइन्टी डिग्री है अगर मैं कोस ए माइनस बी देखूँ तो कोस ए माइनस बी कोस मुझे वन बाई टू वैल्यू कहाँ देता है वो देता है साठ पर कोस ए माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सिक्सटी डिग्री अगर यहाँ से मैं कंपेयर करूँगा तो मुझे ए माइनस बी कितने मिलने वाला है साठ डिग्री ए माइनस बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास साठ डिग्री मेरे पास ए प्लस बी है मेरे पास ए माइनस बी है ए के लिए सॉल्व कर देंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू साठ डिग्री अगर ऐसी कोई इक्वेशन फंसे आपको और आपको उसमें बड़े वाला निकालना हो तो इनको जोड़कर आधा कर दीजिए तो ए की वैल्यू कितनी होगी नाइन्टी प्लस सिक्सटी बाई टू यानी सेवेंटी फाइव डिग्री और बी की वैल्यू कितनी होगी इनको घटा कर आधा कर दीजिए पंद्रह डिग्री तो मुझसे ए पूछा है तो ए की वैल्यू कितनी होगी सेवेंटी फाइव डिग्री नेक्स्ट थ्री साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा कोटिटा जितने कॉन्सेप्ट कराए हैं एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा थ्री साइन थीटा माइनस कोस थीटा थ्री साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा की जो वैल्यू है वो तो मेरे पास कितनी है वन है और मुझे कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है देखिए अगर सिंपली मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा थ्री साइन थीटा थ्री साइन ऑफ थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा अगर मैं इसको सोल्व करूं, अगर मैं साइन को इधर लेकर आऊं, तो क्या बनेगा मेरे पास टू साइन थीटा, और अगर मैं कोस को उधर लेकर जाऊं, तो ऐड हो जाएगा टू कोस थीटा। अगर दो से दो घट जाएगा साइन को अगर उधर लेकर जाऊं, तो साइन थीटा बटे कोस थीटा कितना होता है कोट थीटा? तो कोट थीटा की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी वन जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है फर्स्ट है देखिए सीरियल में बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल करना भारी नहीं है नेक्स्ट इवैल्यूएट द फॉलोइंग कोस छत्तीस प्लस ए डोट कोस छत्तीस माइनस ए प्लस कोस चौवन प्लस ए डोट कोस चौवन माइनस ए तो मुझे इसकी वैल्यू बतानी है और मुझे जो आंसर दे रखे है, हैं वो साइन टू ए कोस ए साइन ए और कोस टू ए में दे रखे हैं सवाल क्या है मेरे पास को छत्तीस प्लस कोस ए सॉरी कोस छत्तीस प्लस ए कोस छत्तीस प्लस ए डॉट कोस छत्तीस माइनस ए प्लस कोस चौवन प्लस ए और डोट कोस चौवन माइनस ए कोस चौवन माइनस ए देखिए अगर मेरे पास ए प्लस बी की वैल्यू नाइन्टी डिग्री हो तो मैं कोस ए बराबर क्या लिख सकता हूं साइन बी ये मैंने आपको कई बार कर रखा है इसमें करते क्या है बी को उधर ले जाते हैं अगर दोनों तरफ कोस लेंगे तो उधर कोस नाइन्टी माइनस बी साइन बी बन जाएगा यानी कोस ए की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास साइन बी इसका फायदा क्या होगा देखिए इसको तो एज इट इज रहने देते हैं ये तो बन जाएगा कोस कोस छत्तीस प्लस ए कोस छत्तीस प्लस ए डॉट ये बन जाएगा कोस छत्तीस माइनस ए प्लस मैं कोस चौवन प्लस ए को क्या ले सकता हूँ कोस चौवन चौवन प्लस ए को ले सकता हूँ मैं साइन छत्तीस माइनस ए कैसे वो देखिए मुझे गिवन है A. कोस चौवन प्लस ए कोस तो कोस चौवन प्लस ए है मेरे पास कोस चौवन प्लस ए इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कोस 90 माइनस छत्तीस माइनस ए देखिए अगर नब्बे में से छत्तीस घटाऊंगा तो चौवन बचेगा और माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस तो ऊपर लेवल ही बन जाएगा और आपको बताएं कोस नाइन्टी माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा तो साइन छत्तीस माइनस ए बन जाएगा उससे अच्छा है, हम ये देख लेंगे कि जो कोस है वो साइन बी के इक्वल होगा यानी जो कोस में एंगल है और साइन में एंगल है इन दोनों का सम कितना यहाँ पर जो एंगल है कोस में इन दोनों का सम कितना होना चाहिए नाइन्टी डिग्री तो अगर मैं इस वाले को लिखूँ ये क्या बन जाएगा मेरे पास कोस देखिए एंगल का सम कितना होना है नाइन्टी डिग्री तो छत्तीस प्लस ए सॉरी तो साइन छत्तीस प्लस ए साइन छत्तीस प्लस ए कोस ए बराबर साइन बी होगा जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी कि नाइनटी डिग्री जब वन अगर छत्तीस जोड़ दो तो कितना बनता है नब्बे और माइनस ए प्लस ए आपस में घट जाएगा और ये देखिए क्या कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला है कोस माइनस बी का क्या है फॉर्मूला तो छत्तीस प्लस ए माइनस छत्तीस और प्लस ए छत्तीस 36 से छत्तीस 36 कितना आएगा मेरा ऑफ ए जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन से वाला होने वाला है डी नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक्वायर फिफ्टी फोर डिग्री माइनस कोट स्क्वायर थर्टी सिक्स डिग्री प्लस थ्री बाई टू साइन स्क्वायर सैंतीस डिग्री इंटू सेक स्क्वायर फिफ्टी डिग्री फिफ्टी थ्री डिग्री प्लस टू बाई रूट थ्री टेन सिक्सटी डिग्री देखिए इसको तो यहीं पर निपटा देंगे ये मेरे पास क्या है सेक स्क्वायर फिफ्टी फोर डिग्री स्क्वायर फिफ्टी फोर डिग्री माइनस कोट स्क्वायर छत्तीस को मैं क्या ले सकता हूँ टेन स्क्वायर फिफ्टी फोर डिग्री प्लस बाय टू इंटू साइन स्क्वायर सैतीस डिग्री इंटू ये क्या बनेगा वन अपॉन कोस स्क्वायर तिरपन डिग्री प्लस टू बाय रूट थ्री और टेन सिक्सटी कितना होता है रूट थ्री इंटू रूट थ्री स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन होती है साइन स्क्वायर सैंतीस और कोच स्क्वायर तिरपन आपस में इक्वल होते हैं साइन ए कोस बी के इक्वल होता है जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है नाइन्टी डिग्री तो मैं कोस तिरपन को क्या ले सकता हूँ साइन सैंतीस या मैं साइन सैंतीस को क्या ले सकता हूँ कोस तिरपन और प्लस रूट थ्री से रूट थ्री कितना बनेगा दो तो दो और एक तीन तीन प्लस थ्री बाय टू तीन दोनों छः और तीन नौ नौ बटे दो क्या होगा इस सवाल का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट साइन तेईस डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी देन वैल्यू ऑफ सेक ट्वेंटी थ्री डिग्री माइनस साइन सिक्सटी सेवन डिग्री इज देखिए खास तरह का सवाल है डिग्नोमेट्री का ये जो एक खास ही तरह से सोल्व होगा और आप इसको हमेशा ऐसे ही सोल्व करेंगे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा कभी भी गलत नहीं होगा हमें क्या गिवन है साइन ट्वेंटी थ्री डिग्री साइन ट्वेंटी थ्री डिग्री इक्वल टू साइन ट्वेंटी थ्री डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी देखिए ये नाइन्टी डिग्री है अगर मैं इसको ट्वेंटी थ्री डिग्री मान लूँ तो वो कितना होगा नाइन्टी माइनस थीटा यानी ये मेरे पास होगा सड़सठ डिग्री क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना है नाइन्टी साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाई तो ये मेरे पास ए होगा ये मेरे पास बी होगा ये क्या होगा मेरे पास अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऐसे ही इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे हमेशा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमें निकालना है सेक ट्वेंटी अगर सेक 23 की बात है तो ये एंगल है है और सेक क्या होता है? मेरे पास अपॉन 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 बेस यानी अंडर रूट माइनस ए स्क्वाइन सिक्सटी सेवन अगर साइन सिक्स की बात है तो इस वाले एंगल की बात है अगर इस वाले एंगल की बात है तो परपेंडिकुलर ये है और ये क्या है तो अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है हाईपोर्टन्यूज हाईपोर्टन्यूज हमेशा सेम होता है बी इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें ये क्या बनेगा बी स्क्वायर बीच में माइनस है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे स्क्वायर कटेगा तो माइनस तो बी स्क्वायर बनेगा और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इंटू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल मेरे पास क्या बना ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है नेक्स्ट कोस बीटा अपॉन सेक अल्फा इज इक्वल टू एंड साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा इज इक्वल टू सोलह देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बीटा साफ साफ है मुझे इसमें से अल्फा गायब करना है अल्फा गैप करने का तरीका दिखाते हैं आपको एक अगर आप इसमें से सेक अल्फा की वैल्यू लिखना चाहें तो सेक अल्फा आप कितना लिखेंगे इज इक्वल टू इधर चला जाएगा इधर और इधर कितना आएगा कोस बीटा अपॉन पंद्रह कोस कोस बीटा अपॉन पंद्रह अगर दूसरे वाले से लिखना चाहें तो सेक अल्फा की वैल्यू कितनी होगी इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन सिक्सटीन देखिए क्वेश्चन अपने आप बताता है करना क्या है साइन बीटा अपॉन सिक्सटीन अगर मैं इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल यानी कोस बीटा बटे पंद्रह कोस बीटा बटे पंद्रह की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरे पास साइन बीटा बटे सोल यहाँ यहां से अगर मैं कोस बीटा अपॉन साइन बीटा की वैल्यू निकाल कोस बीटा अपॉन साइन बीटा तो क्या होगा मेरे पास बटे सोल है और इसका एक ट्रेंगल बना लूं यहां बना लूँ एक ट्रेंगल आपको बताएं कि कोस बीटा ये बीटा है ये वाला एंगल कौन सा है बीटा कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी ये तो पंद्रह है और ये कितना है सोलह है तो ये क्या होगा अंडर द रूट पंद्रह का स्क्वायर दो सौ पच्चीस और सोलह का स्क्वायर दो सौ छप्पन जो कि होता है मेरे पास अंडर द रूट चार सौ इक्यासी तो पहले तो ये देख लीजिए कोई ऑप्शन में चार सौ इक्यासी है चार सौ इक्यासी लगभग लगभग दोनों देखो माइनस वाला तो हो नहीं सकता क्योंकि साइन स्क्वायर बीटा पूछा है तो माइनस वाला तो खत्म है लेकिन इन दोनों में और देखिए साइन जो बीटा होता है मेरा इसका जवाब आप बिना सॉल्व करे दे सकते थे देखिए कैसे साइन स्क्वायर बीटा पूछा है तो नेगेटिव तो आंसर हो नहीं सकता ये भी खत्म और ये भी खत्म साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो माइनस वन से लेकर वन तक होती है यानी जो साइन थीटा या साइन बीटा है वो एक से बड़ा नहीं हो सकता तो उसका स्क्वायर तो उससे भी छोटा हो जाएगा पर ये जो वाला ऑप्शन है ये तो एक से बड़ा है ये भी ख़त्म तो बिना सोल्व करे तो आंसर ये है और सोल्यूशन आपके सामने है मुझे तो निकालना है साइन स्क्वायर बीटा तो साइन स्क्वायर बीटा की जो वैल्यू होगी साइन स्क्वायर बीटा की जो मेरे पास वैल्यू होगी वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाई यानी सोलह का स्क्वायर दो और बटे चार सौ इक्यासी क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास ए है नेक्स्ट इफ सेक स्क्वायर थीठा प्लस टेन स्क्वायर थीठा इजल टू पच्चीस बटे अठारह देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक की पावर फोर थीठा माइनस टेन की पावर फोर देखिए ऐसे सवाल जो है सिर्फ आपका टाइम पास करने के लिए है इसमें है कुछ नहीं ये है क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर थीठा ये तो वन हो जाएगा अगर तो आप सेक की पावर चार ठीटा और माइनस टेन की पावर चार थीटा को लिखना चाहते हैं तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी एक कम पावर करके प्लस माइनस होते हैं और एक क्या बनेगा आपके पास सेक्स स्क्वायर थीठा थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता है ये तो वन है और ये आपके पास क्या है सेक्स स्क्वायर थीठा प्लस टेन स्क्वायर थीठा यानी इसकी जो वैल्यू है वो है क्या ये है और ये जो मुझे पहले से सुपर गिवन है कितना है पच्चीस बटे अट्ठारह ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते आंखों आँखों आँखो में इनका सॉल्यूशन हो जाता है पच्चीस बटे अट्ठारह जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए e है नेक्स्ट इफ सेटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू बत्तीस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ठीठा प्लस कोसक्वायर ठीठा मैंने आपको कल ही ये फॉर्म पढ़ाई थी कि अगर एक्स प्लस वन अपोन एक्स की फॉर्म में कुछ दे रखा है M. और मैंने आपको तीनों के तीनों रूल बताए थे और इनके पूछे, तो आंसर क्या होगा बत्तीस का स्क्वायर माइनस दो और बत्तीस का स्क्वायर कितना होता है एक हजार चौबीस और एक हजार चौबीस ऑप्शन में है लेकिन आपको उसमें से कितने घटाने हैं दो आंसर कितना होगा आपके पास एक हजार बाईस अगर आपको सेक थीटा स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है तो बत्तीस का स्क्वायर कितना होगा आपके पास एक हजार चौबीस और उसमें से आपको कितने घटाने हैं दो आंसर आएगा वन जीरो टू टू नेक्स्ट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग साइन क्यूब अल्फा प्लस कोस क्यूब अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा देखिए सवाल के नाम पर क्या है? मजाक अगर किसी बच्चे को ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है ना तो उसको आराम से कर देगा और जिसे नहीं पता वो वैल्यू ढूंढता रहेगा कि क्या वैल्यू पुट करूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब जब आपको एल्जावरा पढ़ाया था तो बताया था कि ये होती है ए प्लस बी ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी मुझे निकालना है साइन क्यूब एल्फा प्लस कोस क्यूब एल्फा अगर इसको लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा प्लस कोस एल्फा ये तो बन जाएगा जो ए प्लस बी है मेरे पास क्या है ए प्लस बी अब अंदर क्या बनेगा वो देखिए वही मुझे आंसर में लिखना क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में सेम दे रखा है साइन स्क्वा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा देखिए आप ध्यान से देखिए बिल्कुल डिनोमिनेटर में सेम है ये साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा एक दूसरे को कट करेंगे और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन तो आंसर बन जाएगा वन माइनस साइन एल्फा डॉट कोस एल्फा ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास होना चाहिए जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है बी है नेक्स्ट इफ साइन टी प्लस कोस टी कोस्टी टू चार बटे पांच फाइंड साइन टी डॉट कोस टी देखिए अगर इसका स्क्वायर ही एक्सपेंड कर दें अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर टी अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं और ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दूं, प्लस कोस स्क्वायर टी प्लस टू साइन टी, टी इधर बनेगा मेरे पास चार चौक सोलह बडे पच्चीस चार का स्क्वायर सोलह पांच का स्क्वायर पच्चीस आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा क्या होता है वन चाहे वहाँ टी हो चाहे एक्स हो चाहे वाई हो चाहे जेड हो कोई भी एंगल हो अगर दोनों एंगल सेम है और यहाँ पर स्क्वायर है तो आंसर होता है वन। तो वन प्लस टी और ये जो वैल्यू है वो कितनी है सोलह बटे पच्चीस और मुझे निकालना है क्या सिर्फ साइंटी कोस्टी यानी मुझे सिर्फ इतने से मतलब है तो पहले तो वन को उधर भेजते हैं टू साइन टी डोट कोस टी इज इक्वल टू सोलह बटे पच्चीस माइनस वन सोलह बटे पच्चीस और माइनस एक अगर आप सोलह में से पच्चीस घटाएंगे तो कितना आएगा नौ no. और माइनस का आएगा और माइनस के दो ही आंसर है मेरे पर तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये दो नीचे बजाना है तो पच्चीस जो नहीं पचास तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास ये तो मैं लिख सकता हूँ साइन टी साइन टी डॉट कोस टी की वैल्यू माइनस नौ बटे पचास नेक्स्ट इफ टेन पाई बाय सिक्स प्लस सेक पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू एक्स जो पाई होता है ना पाई पाई का मतलब होता है एक सौ अस्सी डिग्री ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए है और एक सौ अस्सी को अगर आप छः से बात कर दें तो आपको पता है कि तीस आएगा यानी आपसे पूछा क्या है आपसे सिर्फ टेन तीस पूछा है और उसमें क्या कहा है कि आप सात में एड क्या कर दो तीस और ये तुम्हें x के बराबर गिवन है एन तीस कितना होता है वन बाई रूट थ्री और सेक तीस कितना होता है दो बटे रूट थ्री और दो और एक तीन बटे रूट थीन तो x का मान कितना का रूट जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है नेक्स्ट इफ कोर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स लाइज इन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन एक्स देखिए ऐसे सवाल भी हैं आपको पता है कि जो आप पहले ये चेक करिए जो कोस है जो कोस है उसकी वैल्यू माइनस वन बाई टू है हम चेक क्या करते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में पहले क्वाड्रेंट में जो मेरे पास क्या है कोस वो वन बाई टू वैल्यू कहाँ देता है तो आपको पता है कोस सिक्सटी डिग्री कोस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास वन बाय टू तो बस मुझे क्या करना है इसको वन बाई साठ की फॉर्म में लिखना है और आपको बताए थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में है और टेन एक्स पूछा है तो नाइन्टी नाइन परसेंट एक्स आठ डिग्री होगा और टेन साठ की वैल्यू कितनी होती है रूट तीन देखो सॉल्व भी कर लेते हैं हम लिखते हैं कोस तीसरे क्वाड्रेंट में एंगल लिखते हैं तो एक सौ आपको पता है कोस वन थीटा कोस वन एट्टी प्लस थीटा यानी एक सौ अस्सी में भी थीटा जोड़ रहे हो एंगल जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है नेगेटिव और कोस वन एट्टी प्लस थीटा क्या होता है मेरे पास माइनस कोस थीटा यानी कि माइनस वन बाय टू यानी कि यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है दो सौ चालीस डिग्री ये कोस दो डिग्री की वैल्यू कितनी है माइनस का एक बटा दो तो मुझे निकालना है टेन दो सौ चालीस तो टेन दो सौ चालीस कितना होगा टेन एक सौ अस्सी और प्लस साठ डिग्री इसने टेन ही इसलिए पूछा है कि जो आपका टेन है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव टेन सिक्सटी डिग्री और टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है रूट थ्री तो मैंने आपको आंसर बिना सॉल्व करके बता दिया था आंसर कितना होने वाला है रूट थीन. नेक्स्ट यूजिंग कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस पिछहत्तर डिग्री देखें ये क्वेश्चन आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं मैंने आपको ये निकलवाया भी था कि आप जो है साइन पंद्रह साइन पिछहत्तर कोस पंद्रह कोस पिछत्तर टेन पंद्रह कोर्ट पंद्रह टेन पिछहत्तर कोर्ट पिछहत्तर इनकी वैल्यूज़ याद रखिए। इसको निकाल लेते हैं देखिए निकालना बहुत आसान है इसने तो फार्मूला भी दे दिया अगर ये फार्मूला ना भी दे तब भी आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए इसने कहा कोस ए प्लस बी जो कोस ए प्लस बी है मेरे पास वो कितना है कोस ए कोस बी कोस A, कोस बी माइनस साइन ए इसकी सराफत है इसने आपको दे दिया और नहीं आपको याद होनी चाहिए साइन ये साइन बी हमें निकालना है सेवेंटी फाइव डिग्री सेवेंटी फाइव कैसे बन सकता है अगर मैं क्या लिख दूँ कोस सेवेंटी फाइव डिग्री निकालना है इसको मैं लिख सकता हूँ कोस पैंतालीस और प्लस तीस और अगर यहाँ से मैं कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दूँ तो मैं क्या लिखूँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए और साइन बी देखिए कोस पैंतालीस साइन पैंतालीस की वैल्यू सेम होती है वन बाय रूट टू तो पहले ही बाहर निकाल लेते हैं वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू डिटेल में कर दे फिर आप कहोगे सर ने एक स्टेप खा लिया वन बाय रूट टू इन टू कोस तीस होता है रूट तीन बटे दो माइनस साइन पैंतालीस फिर फिर वन बाई रूट टू इन टू ये होता है साइन तीस वन बाई टू तो ये बन गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू तो ये होता है मेरे पास साइन सॉरी कोस पिछहत्तर कोस सेवेंटी फाइव डिग्री की और प्यारे बच्चों यही वैल्यू होती है साइन पंद्रह की और अगर आपसे क्या पूछ ले वो कोर्स पंद्रह पूछ ले या साइन पिछहत्तर पूछ ले तो बस यहाँ पर प्लस लग जाएगा क्या इसका रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू लेकिन आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया ऐसा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिया रखा तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हमें क्या दिया है नीचे चार दिया है देखिए अगर मैं इसको रूट टू से मल्टीप्लाई कर दू ऊपर बनेगा रूट छः माइनस रूट टू अपॉन अगर टू रूट टू में आप रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे तो चार बनेगा तो रूट छः माइनस रूट दो बटे चार जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट इम्प्लीफाई साइन की पावर चार थीटा प्लस कोस की पावर चार थीटा अपॉन वन माइनस टू साइन स्क्वायर ठीठा कोस स्क्वायर ठीटा ध्यान रखना अगर कभी भी साइन कोस में कुछ भी दे रखा है और आपको आंसर्स नुमैरिकल्स हैं नंबर्स में है तो आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करिए या तो जीरो पुट करिए, थीटा इक्वल टू या तो क्या पुट करिए ज़ीरो और चाहे पुट कर लीजिए आप नाइन्टी आंसर सेम आएगा थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करते हैं या तो ज़ीरो डिग्री या नाइन्टी डिग्री जो आपकी श्रद्धा हो उसे पुट कर लो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा देखिए अगर मैं जीरो पुट करूं तो साइन जीरो जीरो होता है कोस जीरो वन तो वन अपॉन वन माइनस साइन जीरो जीरो हो जाएगा जीरो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करो जीरो बनता है तो वन अपॉन वन वन एक सेकंड का सवाल था नेक्स्ट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स प्लस वाई टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई देखिए इसने आपके साथ खेल खेल लिया एक इसने कहा यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अगर आप इसमें टेक्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आप कम से कम पाँच मिनट में अपना आंसर निकाल लेंगे लेकिन हमें आंसर नोमेरिकल्स में दे रखे हैं यानी नंबर्स में दे रखे हैं नंबर्स में तो उसका फायदा ये है कि मेरा आंसर एक्स और वाई पर डिपेंड नहीं करता अगर मैं वाई को देखो जीरो पुट कर दूँ अगर मैं वाई को पुट क्या कर दूँ जीरो उससे फायदा क्या होगा यहाँ पर टेन जीरो जीरो होता है ये जीरो हो जाएगा या जीरो हो जाएगा यहाँ पर बचेगा टेन एक्स अपॉन टेन एक्स और यहाँ पर बजेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स जो वन होगा और ध्यान रखना बीच में जो है ना वो मल्टीप्लाई है अगर आप इतना सोचने के बाद एक गुना एक दो भी लग जाता है एग्जाम में कभी कभी तो टेन एक्स अपॉन टेन एक्स अगर आप इतना दिमाग चला लो और यहाँ पर वन आएगा यहाँ पर वन आएगा तो वन इंटू वन वन ही होता है पेपर में प्रेशर के कारण कभी कभी एक गुना एक क्या लगा देते हैं आप दो नेक्स्ट इफ टेन एज टेन ए बाई टू इज इक्वल टू एक्स देन फाइंड एक्स ठीक है बहुत प्यारा सवाल है ये और ये बेसिक से ही बनेगा एड क्वेश्चन कर, करते हैं साइड में बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए और उससे क्वेश्चन बन जाएगा अगर आपको याद हो मैंने आपको करा था जो कोस टू थीटा होता है कोस टू थीटा टू थीटा ये क्या होता है मेरा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जब मैं इसको क्या ले सकता हूँ टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन या क्या लिख सकता हूँ वन माइनस टू साइन स्क्वायर डेटा क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मेरी यही वाली इंफॉर्मेशन यूज़ होने वाली है मुझे लिखना है क्या टेन ए बाई टू टेन ए बाई टू और टेन का फॉर्मूला मेरे पास जो है वो है साइन ए बाई टू अपॉन कोस ए बाय टू अगर मैं यहां से साइन इसका फायदा यह है जो भी एंगल यहां पर होगा उसका आधा एंगल यहाँ पर होगा अगर मुझे साइन ए बाय टू निकालना हो तो मैं कोस ए को क्या लिख सकता हूँ कोस ए कोस ए को लिख सकता हूं मैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए बाय टू अगर मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँ टू साइन स्क्वायर ए बाई टू तो मुझे उधर क्या मिलेगा वन माइनस कोस ए वन माइनस कोस ए अब ये देखिए कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें ऊपर वन माइनस कोस ए है तो ना तो पहले में है क्योंकि ऊपर तो क्या आना है साइन ए बाई टू आना है ना दूसरे में है और ना चौथे में है तो आंसर क्या हो गया मेरा तीसरा इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं अगर यहां से मुझे साइन ए बाई टू लिखना है अगर मुझे यहां से साइन ए बाय टू लिखना है तो क्या बनेगा अंडर द रूट वन माइनस कोस ए अब सवाल में मात्र क्या है औपचारिकता बटे दो ऐसे ही जब मैं क्या लिखूंगा कोस ए बाय टू कोस ए बाय टू तो वो क्या बनेगा मेरा अंडर द रूट कोस ए प्लस वन बाय टू दोनों को अगर डिवाइड कर दूंगा तो टू से टू कट जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा मेरा आंसर तो वन माइनस कोस ए वन माइनस कोस एपॉन वन प्लस कोस ए प्लस चाहे आगे हो चाहे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस लिख लिख लो, वन लिख लो, लेकिन यहाँ पर वन कोस ए ही है इसलिए मैंने क्या लिख दिया वन प्लस कोस ए तो सी क्या होगा मेरा आंसर नेक्स्टीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पांच ये सवाल कम से कम कम से कम पाँच बार आया था दो हजार बाईस में टैक्टा थीटा थीटा प्लस टेन की वैल्यू कितनी है मेरे पास पांच है और मुझे क्या लिखना है टेन थीटा आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे पास वन और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी मैं सैक स्क्वायर थीठा माइनस टेन स्क्वायर थीठा को क्या लिख सकता हूँ एक दूसरे के रसी प्रोगल यानी अगर एक इंडिया है तो एक पाकिस्तान है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी एक बटे पाँच इसका मैंने आपको डिटेल डेरिवेशन करा रखा है देखिए मुझे टेन निकालना है अगर टेन निकालना हो अगर मैं इस इक्वेशन में इसको माइनस कर दूं तो माइनस प्लस और माइनस तो टू टेन थीटा वाइस ऑफ टेन थीटा क्या बनेगा मेरे पास पाँच माइनस एक बटे पाँच तो ट्वाइस ऑफ टेन थीटा क्या बनेगा मेरे पास पंजे पंजे पच्चीस तो चौबीस बटे पाँच तो टेन थीटा दो चौबीस को खत्म करेगा बारह बटे पाँच तो बारह बटे पाँच मेरे पास कोई ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन अपॉइन्ट साइन थीटा प्लस वन अपॉन्ट टेन थीटा वन अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन्ट टेन थीठा देखिए सवाल के नाम पे क्या है मजाक ये तो है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा क्योंकि आपको पता है वन बाई साइन क्या होता है कोसेक वन बाई टेन क्या होता है कोट और ये क्या है मेरे पास कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आपको दिख रहा है क्या है, क्या है ये ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर ठीटा और माइनस कोट स्क्वायर ठीटा तो एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी होती है वन तो वन क्या होगा इस सवाल का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है नेक्स्ट साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स प्लस साइन सिक्स एक्स टी जी एल दो हज़ार तेईस और आखिरकार साइन सी प्लस साइन डी पर सवाल आ ही गया है साइन सी प्लस साइन डी सबसे ज्यादा दर्द करने वाला क्वेश्चन है ये दिमाग में बच्चों के साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू फॉर्मूला पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा अगर नहीं पता होगा तो बिल्कुल नहीं होगा टू साइन सी प्लस डी बाय टू और मल्टीप्लाई क्या होगा कॉस और ये मैंने आपको डिटेल में सारे करा रखे हैं क्लासेस के अंदर टोटल टिक्नोमेट्री मैंने 19 क्लास में ख़त्म करी है ये आज 19वीं क्लास है टिक्नोमेट्री की जिसमें हमने क्या कर रखा है सब कुछ पढ़ रखा है मिनिमम मैक्सिम वैल्यू पढ़ रखी है और हमने हाइट एंड डिस्टेंस तीन वीडियो में ख़त्म करा है और दो अलग वीडियो में और ये दो है आपके सामने सवाल क्या है साइन टू एक्स साइन टू एक्स प्लस टू साइन फोर एक्स और प्लस साइन सिक्स एक्स साइन सिक्स एक्स साइन सी प्लस एन डी इसमें इसमें लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी तो ये बन जाएगा टू साइन दो एक्स और 6x एक्स कितना बनेगा आठ और आठ का आधा कितना होता है चार एक्स प्लस बीच में इन है कोस अगर प्लस है देखिए चाहे इसमें ये ऐड कर दो इसमें से ये घटा लो तो कितना आएगा छः एक्स माइनस टू एक्स कितना आएगा फोर एक्स और फोर एक्स का आधा कितना था टू एक्स और प्लस टू साइन फोर एक्स ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन है साइन टू एक्स अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ क्या टू साइन फोर एक्स टू फोर एक्स क्या ले लें कॉमन मेरे पास क्या बनेगा कोस कोस और प्लस वन देखिए का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास कोस टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन अगर इस वन को इधर ले आऊं तो ये कोस टू एक्स में प्लस होगा यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी टू कोस स्क्वायर एक्स तो दो दूनी चार तो चार

थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कोट क्या होते हैं पॉजिटिव तो पॉजिटिव वाला तो आंसर नहीं आएगा ये तो खत्म हुआ सेक ए और देखिए जो सेक ए होता है मेरा वो कभी भी एक से छोटा नहीं होता वो हमेशा किससे बड़ा होगा एक से बड़ा होगा और यहाँ पर ये दोनों जो आंसर हैं ये भी एक से छोटा है और ये भी एक से छोटा है तो आंसर तो बिना सोल्व करे क्या होगा मेरे पास बी या सोल्व करो और चाहे ना करो लेकिन कर ही लेते हैं हमें क्या गिवन है हमें गिवन है कि जो साइन ए है वो कितना है तीन बटे पाँच माइनस के तीन बटे पाँच माइनस सिर्फ इसलिए है क्योंकि एंगल तीसरे को का है यहाँ पर जो साइड का रेशो वो नेगेटिव में नहीं होगा साइड कभी माइनस में नहीं होती है तीन है तो ये पाँच है ये कितना होगा चार अगर ये क्या क्या है 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 मेरे पास मुझसे पूछा तो थर्ड में एंगल तो तो में और होता लेकिन आप इसको बिना सोल्व करे कर सकते थे क्योंकि तो ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है पांच एक्स माइनस पच्चीस एंड आर एंगल्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बड़ा प्यारा सवाल है ये मैंने आपको बताया था कि अगर ए प्लस बी की वैल्यू नाइनटी डिग्री हो अगर ए प्लस बी का मान नब्बे डिग्री हो तभी जाकर क्या होता है साइन ए आज मैं तुम्हें ये पंद्रहवीं बार बता रहा हूँ कोस बी या अगर मुझे क्या दे रखा हो साइन ए और कोस बी इक्वल दे रखा हो तो इसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा ए प्लस बी की वैल्यू नाइन्टी डिग्री अगर ये दोनों बराबर है ना तो इन दोनों का सम नाइन्टी होगा यानी पाँच एक्स पाँच एक्स और माइनस पच्चीस और प्लस पाँच वाई प्लस पच्चीस पाँच वाई और प्लस पच्चीस ये जो मान है इसका कितना होगा नाइन्टी डिग्री पच्चीस से पच्चीस ख़त्म पाँच अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई और मुझसे पूछा क्या एक्स प्लस वाई पूछा है तो अगर नब्बे को पांच से भाग कर देंगे तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा अट्ठारह डिग्री अट्ठारह डिग्री क्या होगा सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है नेक्स्ट मैंने आपको कहा था साइन और कोस में कुछ भी दे रखा हो अगर आंसर नंबर्स में है तो ठीटा की वैल्यू या तो जीरो पुट करो चाहे नब्बे पुट करो अगर आप ठीटा की वैल्यू इसमें जीरो पुट कर दें तो देखिए या तो जीरो पुट कर दो चाहे नब्बे पुट कर दो तो पिछले वाले क्वेश्चन में जीरो पुट करी थी इसमें नब्बे करेंगे वरना नब्बे बुरा मान जाएगा देखिए नब्बे पुट करते हैं ठीठा अगर नब्बे पुट करेंगे तो जहाँ पर कोर्स है ना वहाँ क्या बन जाएगा जीरो ये जीरो बन जाएगा ये अपने आप जीरो बन जाएगा और इसमें तो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरा ही जीरो बन जाएगा यहाँ पर बारह है ये तो जीरो हो चुका है ख़त्म अगर किसी नंबर में जीरो प्लस करोगे तो वो नंबर ही आता है अगर नंबर जीरो खुद ना हो साइन नाइन्टी वन होता है वन की पावर कुछ भी होती है यहाँ तो मिलेगा बारह आपको और वहाँ से मिलेगा आपको अट्ठारह और वहाँ से मिलेगा आपको शून्य और बारह और अट्ठारह तीस ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका आंसर थर्टी नेक्स्ट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोस एक सौ बीस सीजीएल दो हजार तेईस ये सवाल आपका सी जी एल में भी आया था कोस एक सौ बीस कोस एक सौ बीस इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन तीस माइनस साइन तीस डिग्री और आपको कि साइन तीस कितना होता है एक बटा दो तो माइनस एक बटे दो की वैल्यू कितनी होगी जीरो पॉइंट पांच कैसा नेगेटिव का जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए ही है नेक्स्ट यूजिंग टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी and द वैल्यू ऑफ टेन पंद्रह देखिए टेन पंद्रह की वैल्यू ऑफ डेट याद रखिए दो माइनस रूट तीन होती है और टेन पिछहत्तर होता है दो प्लस रूट तीन आपके काम आएगी और मैंने ये सारी वैल्यूज आपको क्लासेज के अंदर लिखवा रखी हैं देखिए टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस बी की मुझे क्या निकालनी है वैल्यू आपको बताएं टेन यूज़ करना है मुझे और आज कल एस एस सी बहुत मेहरबान हो रही है जो खुद से दे रही है लेकिन अगर कभी फॉर्मूला ना दे आपकी फॉर्मूले याद भी होनी चाहिए टेन ए, टेन भी। मुझे निकालना है पंद्रह पंद्रह कब मिलेगा जब पैंतालीस में से तीस घटेंगे तो टेन अगर मुझे पंद्रह निकालना हो तो पंद्रह को कुछ ऐसे एंगल में देखो जिनको जिनकी आपको वैल्यू पता हो कभी आप पंद्रह को लिख दो तीस माइनस पंद्रह तीस की वैल्यू तो पता पर पंद्रह की नहीं पता होगी इसको क्या ले सकते हैं टेन पैंतालीस माइनस तीस इज इक्वल टू देखिए इसका फायदा क्या होगा हम इसको साठ माइनस पैंतालीस भी ले सकते हैं साठ माइनस पैंतालीस भी कितना होता है मेरे पास पंद्रह लेकिन मुझे पहले ही वन मिल जाएगा तो टेन पैंतालीस कितना होता है वन अगली लाइन में लिखेंगे इसको माइनस -10-30 तीस अपॉन वन प्लस टेन पैंतालीस और टेन तीस टेन पैंतालीस होता है वन तो वन माइनस वन बाय रूट थ्री अपॉन वन प्लस वन बाय रूट थ्री अब तो इसमें क्या है सर्ड्स एंड इंडाइसिस ऊपर तो है रूट तीन माइनस एक और नीचे है रूट तीन प्लस एक ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कंजुगेट से करेंगे मल्टीप्लाई तो डिनोमिनेटर का कंजु कंजुगेट क्या होगा तो रूट थ्री माइनस वन ऊपर चढ़ जाएगा एक स्क्वायर देखिए नीचे तो है ए प्लस बी ए माइनस बी और ऊपर क्या है ऊपर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर तो बनेगा रूट तीन माइनस एक का होल स्क्वायर और नीचे क्या बनेगा दो क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है और ये क्या होता है चार माइनस दो रूट तीन और बटे दो कट कर लेंगे तो टेन जो पंद्रह है जो टेन पंद्रह है वो मेरा कितना होगा लेकिन नोट बना के लिखना इसको टेन पंद्रह की वैल्यू इसके बराबर होती है कोट पिचत्तर के और कितनी आई है दो माइनस रूट थी अगर क्या निकाल निकालना हूं? कोट पंद्रह ये होती है टेन पिछहत्तर के बराबर बस बीच में क्या लगा दीजिए प्लस दो प्लस रूट नेक्स्ट तो दो प्लस दो माइनस रूट तीन कहां पर है यहाँ पर है। और देखिए अगर वो क्या पूछ लेकर पूछ ले तो दो प्लस रूट तीन नेक्स्ट साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू दो बटे पांच फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस कोट स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस कोट स्क्वायर एक्स देखिए साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी दो बटे पाँच देखिए इसमें कंपेंडो डिवेंडो लगा सकते हैं हम लेकिन अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें तब भी आसानी है क्रॉस तो में मल्टीप्लाई कर दो तो फाइव साइन एक्स और माइनस फाइव कोस एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स और प्लस टू कोस एक्स हम कंपेंडो डिबेंडो लगाकर भी कर सकते हैं पर ये तो वैसे भी आसान है पांच में से तीन दो घटेंगे थ्री साइन एक्स इज इक्वल टू सात कोस एक्स मुझे कोट चाहिए कोट कब मिलेगा मुझे जब साइन से भाग होगा तो कोट एक्स की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास तीन बटे सात और मुझे निकालना है वन माइनस कोट स्क्वायर एक्स सॉरी पहले प्लस है वन प्लस तीन का स्क्वायर नौ नौ बटे उनचास वन माइनस नौ बटे उनचास और नौ अट्ठावन बटे नौ और उनचास में से नौ घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास चालीस और चालीस बटे उनचास उनचासचा देगा बटे चालीस इसे करना है सोल्व तो देखिए अगर ले वाले नंबर को चार से काट लें नीचे तो दस है अगर चार से कट करें इसको तो चार ही कम चार एक आठ बचेगा चार चौक सोलह और चार पंजे बीस और नीचे कितना है दस तो वन पॉइंट फोर फाइव क्या होगा मेरा आंसर तो क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट ठीक है फिर क्या है नंबर है नोमरिकल्स थीटा को जीरो पुट कर दो अगर थीटा जीरो पुट कर दोगे या नाइन्टी पुट कर दो अगर जीरो पुट पिछली मैं नाइनटी कर इसमें जीरो करेंगे जीरो पुट करेंगे ख़त्म ये वन है तो वन का स्क्वायर वन और प्लस जीरो पुट करेंगे ये खत्म होगा अगर ये खत्म होगा तो कोस जीरो वन होता है लेकिन उसका स्क्वायर फिर वन हो जाएगा तो वन प्लस वन कितना होता है मेरे पास टू आंसर कितना होगा दो तो ध्यान रखना जब भी साइन और कोस में क्वेश्चन हो और आंसर कैसे हो नंबर्स में तो आप थीटा की वैल्यू आइदर जीरो और नाइनटी पुट करोगे बस कंडीशन एक रहेगी कि आपका डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो ना बनना चाहिए क्योंकि वन बाय जीरो क्या होता है नोट no डिफाइन हम आंसर का पता नहीं लगा पाते इस कंडीशन में नेक्स्ट कोस ए अपोन वन माइनस साइन ए प्लस कोस ए अपॉन वन प्लस साइन ए इज इक्वल टू फोर देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए देखिए इस क्वेश्चन को बेसिक सॉल्व करेंगे और इसका सबसे परफेक्ट सोल्यूशन दूंगा आपको देखिए अगर आप ऊपर से कोस ए कॉमन ले लें अगर आप ऊपर से कोस तो ए क्या ले लें कॉमन तो वन माइनस साइन ए वन प्लस साइन ए का एलसीएम लेंगे वन प्लस साइन ए और वन माइनस साइन ए क्या आएगा एलसीएम ऊपर क्या बनेगा वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए और बीच में क्या है प्लस और यहाँ पर वन माइनस साइन ए ये चार के बराबर है इक्वल टू चार अगर ये चार के बराबर है तो देखिए कोस ए टू साइन ए साइन ए खत्म करेगा क्या बनेगा दो अपॉन वन प्लस ए वन माइनस साइन ए वन माइनस साइन स्क्वायर क्या बनेगा कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू फोर कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है चार तो यहाँ पर कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू और आपको पता है कोस ए जो वन बाई टू वैल्यू कहाँ देता है ए बराबर साठ डिग्री पर इस सवाल का आंसर कितना होगा सिक्सटी डिग्री जो मेरा ऑप्शन नंबर क्या है साठ है सॉरी तो डी है दो से ये ऊपर आएगा नीचे आएगा वन बाय टू बन जाएगा यहाँ पर कोस एक वैल्यू वन बाय टू होगी एक वैल्यू कितनी होगी साठ डिग्री क्योंकि कोस जो है वैल्यू देता है साठ डिग्री पर अगर इज द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू देखिए हमें एक चीज पता है कि सेक यहाँ पर टेन है पर यहाँ पर कोस है और मैं कोस को कभी भी सेक में लिख सकता हूँ मुझे पता है थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी होती है वन मुझे इसका इस्तेमाल करना है देखिए मुझे ये बने पी कोस अल्फा इज इक्वल तीन अगर मैं इसे कोस अल्फा को इधर लेके चला जाऊँ ठीक है पी अपॉन थ्री अगर इस तीन को उधर लेके चला जाऊं तो इधर क्या बनेगा ये वन बाई कोस एल्फा और वन बाई कोस एल्फा कितना होता है सेक एल्फा अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो मैं लिख सकता हूं पी स्क्वायर अपॉन नाइन पी स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस फिर लिखना है टेन एल्फा टेन एल्फा की वैल्यू कितनी होगी क्यू बटे चार और इसका स्क्वायर क्या होगा क्यू स्क्वायर अपॉन सोलह और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे वन अब ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट यूजिंग कोट ए माइनस बी कोट ए कोट बी प्लस वन और कोट बी माइनस कोट ए देखिए मैंने आपको अभी लिखवाई थी वैल्यूज अगर आपको याद है ये देखिए कोट पंद्रह की वैल्यू कितनी होती है दो प्लस रूट तीन और वही पूछिए इसने कोट पंद्रह की वैल्यू तो आंसर कितना होगा दो प्लस रूट तीन अगर आप इसे फॉर्मूले में यूज करेंगे तो इसको आप पैंतालीस लिखेंगे इसको तीस लिखेंगे वैल्यू पुट कर देंगे नेक्स्ट और एनी एक्यूट एंगल थीटा 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 स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसक्टा प्लस कोस की पावर चार थीटा देखिए साइन थीटा ये जो सवाल आता है ना सिर्फ इसका एक काम है इसे करना क्या है साइन थीटा को बनाना क्या है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और आपको बताएं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है को स्क्वायर थीटा यानी जहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा है वो बदला जा सकता है किसके साथ कोस की पावर चार थीटा तो कोस की पावर चार थीटा की वैल्यू कितनी है साइन स्क्वायर थीटा और आपको बताएं कोस स्क्वायर थीठा प्लस साइन स्क्वायर थीठा तो वो आइडेंटिटी जो हमने सबसे पहले याद करी थी जिसकी वैल्यू कितनी होती है वन क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है नेक्स्ट इफ कोस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू रूट टू कोस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ और जो ऊपर की वन है मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है देखिए कैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं देखिए मैंने आपको जब एल्जावरा पढ़ाया था एक चीज़ पढ़ाई थी कि ये बहुत काम आएगी आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको याद है तो और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यह आपकी जान बचा देती है और यहाँ पर है क्या मेरे पास देखिए अगर इसको मैं ए मान लूँ तो ये बी है ये ए माइनस बी है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपको बताएँ कोस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स तो वैल्यू वन है और दो गुना ए क्या होता है मेरे पास एक और आपको जो ये ऊपर दिया था ना ये ये सिर्फ आपको उलझाने के लिए था ताकि आप अपना टाइम वेस्ट करो आपका पेपर खराब हो आपका सिलेक्शन ना हो क्योंकि अगर मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो यहाँ से मिलेगा कोच स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू कोस एक्स साइन एक्स यहाँ से क्या मिलेगा को स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू कोस एक्स साइन एक्स प्लस वाला माइनस वाले को काट देगा और दो कोसक्वायर मिलेंगे दो साइन स्क्वायर मिलेंगे दो बाहर कॉमन लेंगे आप क्या बनेगा आपके पास यही बनेगा को स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू इन टू वन इक्वल टू टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये बनता है ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक बनेगा प्लस टू ए बी और एक क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस प्लस काट देगा ए दो है तो टू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप इसको याद रखना और अगर बीच में गलती से क्या आ जाए माइनस अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी मैंने आपको बताता था यह होता है फोर टाइम्स ऑफ ए इंटू बी ये दोनों की दोनों चीजें आप याद रखोगे मरते हैं दम तक नेक्स्ट ऑल द गिवन एक्सप्रेशन टैग स्क्टी माइनस थीटा माइनस को पचपन देखिए ये तो दे रखा है आपको square theta, 90 minus theta होता है को सेवायर थीठा ये तो आपको कोसेक स्क्वायर थीटा गिवन है और एक मेरे पास क्या है कोट स्क्वायर थीटा ये तो आइडेंटिटी है ऊपर तो बन गया वन अपॉन दो बाहर है ये क्या है साइन स्क्वायर पैंतीस और साइन स्क्वायर पचपन क्या होता है कोस स्क्वायर पैंतीस ऊपर तो, तो वन है और नीचे दो गुना एक है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा कितना होता है मेरे पास वन आंसर है मेरे पास जीरो पॉइंट पांच क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है ए है नेक्स्ट टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर है जिसके पेपर में सवाल आया होगा ना उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हुआ होगा क्योंकि ये तो बहुत आसान सवाल है टेन ये साइन टू ए का फॉर्मूला है और सब ने कर दिया होगा तो कंपटीशन खत्म कब होता है जब भारी सवाल हो और तैयारी करने वाले बच्चे उसको कर दें इसे तो सब ने कर दिया होगा क्योंकि साइन टू ए का फॉर्मूला है टू टेन ए अपन वन प्लस टेन स्क्वायर ए अगर बीच में यहाँ माइनस हो तो वो अगर बीच में माइनस हो तो टेन टू ए का फॉर्मूला है और देखिए ऐसे सी ने कन्फ्यूज भी नहीं किया बच्चों को वरना टेन टू ए दे सकता था ऑप्शन में बच्चे सोचे यार प्लस आएगा माइनस आएगा लेकिन उसने बहुत ही आसान बनाया इसका है इसका आंसर है साइन टू है नेक्स्ट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन की पावर बारह थीटा प्लस कोस की पावर बीस थीटा देखिए इसकी जो अधिकतम वैल्यू होती है होती है वन मैंने जब आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि साइन की पावर और प्लस कोस की पावर अगर थीटा दे रखा है तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वन और मिनिमम वैल्यू लगती है थीटा बराबर फोर्टी फाइव डिग्री पर तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगी वन और जो अगर मिनिमम भी पूछ ले कभी आपसे वो निकलती है थीटा बराबर फोर्टी फाइव डिग्री पर मिनिमम एंड मैक्सिमम वाली वीडियोज में डिटेल में आपके मैंने कर रखा है नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दो बटे तीन टेन स्क्वायर सिक्सटी तो दो बटे तीन और टेन सिक्सटी कितना होता है आपके पास रूट तीन का स्क्वायर तीन प्लस तीन गुना कोस तीस रूट तीन बटे दो यानी तीन बटे चार और माइनस दो गुना चार बटे तीन माइनस तीन बटे चार और कोट साठ होता है वन बाई रूट थी यानी एक बटे तीन और सवाल बन गया सिंप्लीफिकेशन का एग्नोमेट्री से कहाँ बन गया सिम्प्लीफिकेशन तो तीन से तीन खत्म दो प्लस तीन धिया नौ बटे चार एक तो नौ बटे चार है और माइनस क्या है देखिए तीन से तीन घटेगा, आठ बटे तीन और माइनस एक बटे चार इसको करते हैं सोल्व अगर मैं इसका इसकेल्सियम ले लूं, तो बारह आएगा तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर एक तो एक बारह को बारह बारह कटकेगा बारह दोनों चौबीस प्लस चार दिया बारह नौ दिया सत्ताईस तीन चौक बारह आठ चौक बत्तीस और माइनस चार दिया बारह इसको करते हैं देखिए सात साहतर चार ग्यारह दो और दो चार एक ये तो इक्यावन है इक्यावन में से पैंतीस घटने हैं अगर इक्यावन में से आप पैंतीस घटाएंगे तो सोलह बजेगा सोलह बटे बारह क्या होता है मेरे पास चार बटे तीन और चार बटे तीन क्या होता है मेरे पास वन पॉइंट थ्री थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री है तो क्या है इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या मेरे पास सी है नेक्स्ट वट इज द वैल्यू ऑफ साइन चार सौ पांच डिग्री देखिए कितना भारी सवाल पूछा है साइन चार सौ पांच देखिए साइन माइनस ठीठा साइन माइनस थीठा क्या होता है माइनस साइन ठीठा मुझसे पूछा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन चार सौ पांच माइनस साइन इसको लिख सकता हूं मैं तीन सौ साठ प्लस पैंतालीस तीन सौ साठ प्लस थीटा एंगल कहाँ है पहले क्वाड्रेंट का तो अगर देखिए मैंने आपको बता दा अगर आपके पास क्या हो वन एट्टी का कैसा भी मल्टीपल हो तो वन एट्टी वाला रूल क्या कहता है कि साइन किस में कन्वर्ट होगा साइन में मैंने आपको एक जबरदस्त नियम बताया था जो हर जगह अप्लाई होगा वो क्या है वो तो ये है आपको क्या करना है इस पर तो लोगे आप 180 के ओड मल्टीपल और इस पर ले गए आप 180 के इवन मल्टीपल 180 का मल्टीपल कैसा इवन दो यानी ये इस लाइन की बात कर रहा है और इस वही पैंतालीस प्लस यानी जो आपका एंगल थीटा है वो कहाँ पर है पहले क्वाड्रेंट में और पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव लेकिन पहले ही माइनस है माइनस और साइन वन एट्टी प्लस माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा यानी साइन पैंतालीस डिग्री तो माइनस वन बाई रूट टू क्या होगा इसका आंसर क्योंकि ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या है डी है नेक्स्ट इन द राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज फाइव सेंटीमीटर एंड द बेस इज थ्री सेंटीमीटर इफ वन एंगल इज थीटा देन tan थीटा इज इक्वल्स टू ये कैसे ने कहा है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है कौन सा है वो इसमें जो हाइपोटेन्यूज कर्ण तो 5 है कर्ण पांच है और बेस तीन है और तीन चार पांच क्या होती है ट्रिपलेट इसको ठेटा मान लेते हैं तो टेन ठेटा बताना है कौन सा है तो टेन ठेटा की वैल्यू क्या होगी चार बटे तीन तो क्योंकि ऑप्शन क्या क्यों क्यों है मेरे पास ये है नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक एक्स माइनस कोस एक्स देखिए सेक एक्स को आप क्या ले सकते हो वन बाई कोस एक्स वन बाई कोस एक्स और माइनस कोस एक्स वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे कोस एक्स और वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स फर्दर इसको आप तोड़ के लिख लो साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होगा टेन एक्स तो टेन एक्स साइन एक्स क्या होगा इसका आंसर ट एक्स डोट साइन एक्स नेक्स्ट इन ट्रेंगल एक्स वाई जेड राइट एंगल एट वाई इफ साइन एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू देन वट इज द वैल्यू ऑफ कोस एक्स कोस जेड प्लस साइन एक्स साइन जेड देखिए इस सवाल को बिना डायग्राम करेंगे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन भी होता है कोस ए माइनस बी यानी ये पूछ रहा है कोस एक्स माइनस जेड का मान बताओ मुझे इसने कहा कि नहीं y 90 है इसने कहा y पर 90 डिग्री तो y पर 90 है इसमें तो y की जरूरत ही नहीं है और इसने क्या कहा है कि जो sin x है वो 1 by 2 है अगर sin x की वैल्यू 1 by 2 है ना तो यहाँ पर जो x है वो कितना है 30 डिग्री क्योंकि sin x की जो वैल्यू 1 by 2 होती है वो तीस डिग्री पर होती है अगर ये तीस है तो जेड अपने आप कितना हो जाएगा? साठ क्योंकि दोनों का तो 90 होना चाहिए, अगर एक की बात है, है थर्टी डिग्री अगर तो आपको बताओ कोस माइनस थीटा कोस यहां पर अगर एग्जामिनर चाहता तो आपको फंसा सकता था और कोस माइनस छीटा क्या होता है कोस थीटा तो कोस माइनस थर्टी क्या होगा कोस थर्टी अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव में दे देता और कोस थर्टी की वैल्यू कितनी होती है रूट तीन बटे दो जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है ई e है नेक्स्ट सिम्प्लीफाइड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब ठीटा अपॉन टू कोस क्यूब ठीठा माइनस कोस ठीटा आंसर अगर न्यूमेरिकल्स में होते तो हम थीटा की वैल्यू जीरो नाइन्टी पैंतालीस रखकर देखते पर इसमें क्या करते हैं देखिए अगर साइन थीटा आप कॉमन ले लें अगर आप साइन थीटा कॉमन ले लें तो ऊपर बनेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा जो कोस टू थीटा का फॉर्मूला है पीछे लिखवाया था अभी अगर आप इसमें क्या ले लें कॉमन कोस थीटा तो ये भी क्या है मेरे पास कोस टू थीटा का फॉर्मूला और उसमें क्या हो जाएगा कैंसिल तो साइन अपॉन अपन थीटा आंसर तो मेरा निकल चुका है टेन थीटा और मुझे यहाँ क्या लिखना पड़ेगा कोस टू थीटा वरना बच्चे कहेंगे कि सर ये आपने कैसे लिख दिया इसे क्योंकि तो इसे कटना है और कोस टू थीटा बस में क्या होगा कैंसिल तो मेरा आंसर क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा जो फर्दर क्या बनेगा आपका टेन थीटा जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है नेक्स्ट इम्प्लीफाई वन प्लस साइन टी अपन फोर माइनस फोर साइन टी माइनस वन माइनस टी अपॉन फोर प्लस फोर टी देखिए प्यारे बच्चों अगर कुछ इस तरीके का सवाल है और ऑप्शन में फंसा रखे हैं तो आप वैल्यू से बचो और कोशिश करो कि आप इसको बेसिक से बना सको क्योंकि बेसिक से सवाल बनाना बहुत आसान है लेकिन आपकी कमांड दोनों पर होनी चाहिए वैल्यू पुटिंग पर भी और बेसिक पर भी देखिए अगर मैं इसमें से एक बटे चार को मन ले लूँ देखिए चार इन दोनों में है चार इन दोनों में है तो एक बटे चार कॉमन आ जाएगा एक बटे चार अगर मैं एक बटे चार कॉमन ले लू? तो मेरे पास यहां पर क्या बचेगा वन प्लस साइंटी अपॉन वन माइनस नाइन्टी वन प्लस साइंटी अपॉन वन माइनस साइंटी और बीच में है माइनस और यहाँ पर क्या बनेगा वन माइनस साइन टी अपॉन वन प्लस साइन टी एक बटे चार कॉमन एक बटे चार बाहर है इसको सॉल्व करते हैं देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन टी का होल स्क्वायर और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं भी फंस जाए तो तुरंत लगा दो फोर ए बी और देखो यहीं पर जरूरत पड़ गई अपॉन ये क्या है ए माइनस बी ए तो ए स्क्वायर यानी वन माइनस स्क्वायर टी कोशिश करो स्टेप को खाने की क्योंकि अगर हमें देखो ये जोड़ना हो अगर मुझे तीन बटे चार और माइनस दो बटे तीन को माइनस करना है हम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं तीन के मल्टीप्लाई तीन में करेंगे नौ चार के मल्टीप्लाई दो में आठ और बटे चार गुना तीन बारह यही मैंने ऐसे किया <coughs> मैंने वन प्लस साइन टी की मल्टीप्लाई वन प्लस साइन टी में करी है फिर बीच में माइनस है वन माइनस साइन टी की मल्टीप्लाई वन माइनस में करी है अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए एक बटे चार बाहर है इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखता हूँ एक वो ये है पहले भी लिखवाया था एक बार वो लिखवा देते हैं आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है फोर टाइम्स ऑफ ए बी इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पर मिलेगा मुझे फोर इन टू वन इन साइन टी और ऊपर क्या है मेरे पास नीचे वन माइनस साइन स्क्वायर थीठा क्या होता है मेरा कोस स्क्वायर थीठा तो कोस स्क्वायर टी मेरा चार से चार घटेगा साइन टी बटे कोस टी एक तो मुझे लगा मुझे <coughs> साइन टी बटे कोस टी एक तो मिलेगा मुझे टेन टी टेन टी और देखिए नीचे है क्या नीचे कोस स्क्वायर टी है तो एक कोस टी बजेगा जो क्या बना देगा मेरा सेक टी तो सेक टी और टेन टी क्या होगा इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है मुझे बी दिख रहा है नेक्स्ट ट्रगल राइट एंगल एट क्यू एंड पी क्यू रेशियो क्यू आर इज इक्वल टू थ्री रेशियो फोर वट इज द वैल्यू ऑफ साइन पी प्लस आर सी जी एल दो हजार तेईस देखिए सी जी एल दो हजार तेईस के लगभग बहत्तर क्वेश्चन हैं प्री प्लस मीनस के मिलाकर और अब तक एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जिसमें आप कह सकोगे हाँ ये थोड़ा भारी है और सारे सवाल कैसे जो तीस सेकेंड के अंदर होने वाले हैं देखिए पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रैंगल है जो क्यू पर नाइन्टी है तो पी पी क्यू और आर क्यू पर क्या है ये नाइन्टी है ये क्यू पर नाइन्टी है तो इसको पी मान लेते हैं पी क्यू और आर ये नाइन्टी है इसने कहा पी क्यू रेशो क्यू आर पी क्यू रेशो क्यू आर है जो वो तीन अनुपात चार है यानी अगर पी क्यू तीन है ये कितनी है चार है और दुनिया की सबसे पहली ट्रिपलेट यही है शायद तीन चार पाँच हमें बताना है साइन पी साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट न्यूज तो तीन बटे पाँच प्लस फिर क्या बताना है हमें साइन क्यू Q तो नब्बे है और साइन नब्बे होता है एक प्लस फिर क्या बताना है मुझे साइन आर और साइन आर क्या होता है मेरे पास हमने पहले क्या लिखा साइन पी ठीक है साइन पी होगा मेरे पास चार बटे पांच गलती से लिख दिया ये हमने पहले क्या लिखा साइन पी अगर साइन पी की बात है तो पी ये है और ये परपेंडिकुलर है जिस भी एंगल की बात होती है उसके सामने वाली जो साइड होती है हो, वो क्या होती है परपेंडिकुलर तो ये चार बटे पांच है प्लस वन प्लस तीन बटे पांच देखिए चार और तीन सात और पांच बारह बटे पांच तो इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा बारह बटे पांच जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है बी है नेक्स्ट टू को ठीटा इज इक्वल टू थ्री फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट थ्री साइन ठीटा माइनस थ्री को ठीटा थ्री टेन थीटा अपॉन थ्री टेन थीटा प्लस रूट थ्री कोसा देखिए सिंपल क्वेश्चन है हम पहले क्या करते हैं एक ट्रेंगल बनाते हैं छोटा सा अगर इसको मैं थीटा मान लूँ अगर इसको मैं ठीठा मान लूँ तो कोट ठीठा क्या होता है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर और यहाँ से मैं थीटा लिखूं। अगर मैं कोट ठीठा लिखूँ अगर मैं यहाँ से कोट थीटा लिखूँ तो वो कितना होगा तीन बटे दो तीन बटे दो यानी अगर मेरे पास ये तीन है तो ये मेरे पास दो है और पायथागोरस का इस्तेमाल करके कितना हो जाएगा रूट तेरह मुझे निकालना है रूट थर्टीन साइन थीटा रूट थर्टीन इंटू साइन थीटा साइन थीटा क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाईपोर्ट तो दो बटे रूट तेरह दो बटे रूट तेरह माइनस तीन गुणा तीन गुणा टेन थीटा टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा का उल्टा यानी दो बटे तीन हो जाएगा दो बटे तीन अपॉन तीन गुना दो बटे तीन और प्लस रूट तेरह कोस थीटा होता है बेस अपॉन यानी तीन बटे रूट तेरह अब तो सिंपल क्या है कैलकुलेशन है प्लस और माइनस है देखिए रूट तेरह रूट तेरह को काट देगा दो तो तीन तीनों का देगा और दो माइनस दो ऊपर ही जब जीरो बन गया तो मुझे डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं है तो उसका आंसर कितना है मेरा जीरो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है नेक्स्ट यूजिंग द आइडेंटिटी टेन टू एल्फा टू टेन एल्फा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर एल्फा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन फिफ्टीन ठीक है टेन फिफ्टीन की वैल्यू मैंने आपको भी लिखवाई थी जो टेन पंद्रह होता है होता है मेरा टू माइनस रूट थ्री क्योंकि हमें किसी को लिख के नहीं दिखाना ये कैसा क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सवाल है उसका आपको टिक मारना है क्योंकि आपको लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे आपको सही ऑप्शन चूज करने के नंबर मिलेंगे तो आपको इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है और टेन पंद्रह की वैल्यू हर एक एस एस को पता होनी चाहिए जो क्या होती है दो माइनस रूट तीन तो दो में से तुम्हें क्या घटाना है और इसने रूट थ्री की वैल्यू दे दी वन पॉइंट सेवन थ्री टू देखते हैं कौन सा ऑप्शन है अगर मैं दो में से वन पॉइंट सेवन थ्री टू घटाऊ तो लास्ट में तो आठ आना ही आना है और वो मेरा एक ही ऑप्शन में है तो जीरो पॉइंट दो छ आठ जीरो पॉइंट दो छ आठ क्या होगा मेरा आंसर नेक्स्ट इफ कोसेक थीटा प्लस को ठीटा इजिक्वल टू एम कल भी क्वेश्चन आया था ये ओसेक थीटा प्लस कोट थीटा आपको पता है ओसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ओसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर एम हो आपको बताया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा वन होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस वन यानी कोसेक कोसेक थीटा प्लस और थीटा माइनस वन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है अगर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू एम है ना तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक बटे एम क्या होगी एक बटे एम अगर ये एक बटे एम है अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा कोट से कोट खत्म होगा यहां पर मिलेगा टू को थीटा, और यहां पर क्या मिलेगा मुझे एम स्क्वायर और प्लस वन अपॉन एम एम स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू एम ये क्या मिलेगा मुझे कोसेक ठीठा कोसे कोसेक थीटा क्या होता है मेरा हाई पोर्टन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर मुझे क्या निकालना है एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन देखिए एम स्क्वायर प्लस वन तो नीचे जो मेरा है वो हाई पोर्टन्यूज ही है तो देखिए हाइपर्ट ना तो इसमें है और ना इसमें है इसमें है पर ये नेगेटिव है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा कोस ठीठा और देखिए आप ये मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर और साइन थीटा क्या होता है मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाईपर्ट न्यूज एम स्क्वायर माइनस वन तो बेस तो होगा क्योंकि एक ट्रिपलेट है मेरे पास अगर एम स्क्वायर माइनस वन है अगर एम स्क्वायर माइनस वन है इसके साथ एक क्या होगा टू एम और इसका जो Turn होगा वो क्या होगा एम ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही लिखवाई थी तो इस सवाल में जो बेस है जो बेस है वो कितना है और किसी भी राइट एंगल ट्रेंगल में बेस अपॉन हाई क्या होता है मेरा तो इसका आंसर क्या है मेरा कोस ठीटा नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ टेन पंद्रह टेन पच्चीस टेन पैंतालीस टेन पैंसठ टेन पिचासी मैंने आपको बताया था कि टेन ए ये मैंने सारी बातें आपको डिटेल में बता रखी हैं टेन बी की वैल्यू हमेशा वन होगी कब जब ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी नाइन्टी डिग्री अगर आप ध्यान दें पाँच और पचासी नब्बे बनाएंगे एक मिलेगा पच्चीस और पैंसठ नब्बे बनाएंगे एक मिलेगा और टेन पैंतालीस तो होता ही कितना है वन वन इंटू वन इंटू वन और वन इंटू वन इंटू वन वन ही होता है तीन मत लगा दियो तभी एक गुणा एक गुणा एक जल्दीबाजी में आंसर टिक कर दो कितना तीन तो आंसर कितना होगा इसका एक नेक्स्ट इफ टेन एक्स इज इक्वल टू सात बटे पांच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स नाइन साइन एक्स माइनस बयालीस बटे पांच कोशेक्स अपॉन पंद्रह साइन एक्स प्लस इक्कीस कोश एक्स देखिए अगर मैं ऊपर ले वाली इक्वेशन को कोस एक्स से भाग कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा नाइन टेन एक्स माइनस कोस से कोस कट जाएगा तो मिलेगा बयालीस बटे पाँच और अगर नीचे वाली इक्वेशन को भी किस से भाग कर दूं, <coughs> कोस से भाग कर दूं, तो क्या मिलेगा पंद्रह टेन एक्स और प्लस इक्कीस ऐसा क्यों किया क्यों मुझे स... अगर मैं साइन थीटा को ओस ठीठा से भाग कर दू तो मुझे डायरेक्ट टेन थीटा मिलता है और क्वेश्चन में टेन की वैल्यू सात बटे पांच दे रखी है तो नो गुना सात बटे पांच और माइनस बयालीस बटे पांच अपॉन पंद्रह गुना टेन थीटा कितना है सात बटे पांच और प्लस इक्कीस देखिए डिनोमिनेटर है तिरसठ में से अगर बयालीस घटाएंगे तो इक्कीस बटे 5 तो ये है अपॉन ये कितना है मेरे पास 5 से कट करेंगे पांच या पंद्रह सात या इक्कीस और इक्कीस बयालीस ध्यान रखना ये जो बयालीस से 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्कीस बटे 5 गुना बयालीस बयालीस कट करेंगे इक्कीस से दो बार और 5 गुना दो दस तो एक बटा दस क्या होगा सवाल का आंसर जो कि मेरे पास क्या होगा जीरो पॉइंट वन नेक्स्ट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू रूट पांच देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कोसेक क्यूब थीटा देखिए अगर मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू एम दे रखी है और ट्रिगनोमैट्री में मेरे पास तीन तरह के रेसी हैं वो क्या है एक तो साइन थीटा है और साइन थीटा का भाई कौन है थीटा जो क्या है इसके रेसिप्रोकल है एक मेरे पास कोस थीटा है जिसका उल्टा कौन है सेक थीटा तो एलजैबरा का यूज़ करके इन पर क्या बन जाते हैं क्वेश्चन जो हमने कल डिटेल में डिस्कस किए थे 2022 वाली वीडियो में हमने कल स्क्वायर किया था आज करते हैं क्यूब अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूँ तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है एल जावर में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्राइस ऑफ ए बी और ए प्लस बी तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में आएगा a plus b और x plus one upon x वो a plus b जिसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास m और दोनों तरफ क्यूब किया तो यहाँ यह पर क्या हो जाएगा m cube देखिए यहाँ पर अगर मैं x cube plus one upon x cube की वैल्यू लिखना चाहूँ तो x से x कैंसिल होगा ये बनेगा m cube minus three m और ध्यान रखना अगर मुझे x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू रूट में दे रखी हो इसमें दे रखी हो रूट में और वो कितनी है रूट एम तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा कैसे एम में से तीन घटाओ एम में से तीन घटाओ और उसको बाहर निकाल दो यानी एम माइनस एम में से तीन घटाओ तो एम माइनस थ्री और रूट एम कब जब मुझे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स में क्या दे रखा हो रूट एम तो एम में से तीन बाहर निकाल लो और उसको एम को एज इट इज लिख दो देखिए यहाँ पर मुझे साइन थीटा प्लस थीटा की वैल्यू दे रखी है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है अगर आपको पहचान हो तो ये एक दूसरे के क्या है रसी प्रोकल है और इनका अगर क्यूब पूछा है साइन क्यूब प्लस कोशक क्यूब तो आपको कुछ नहीं करना पाँच में से तीन बाहर निकालने हैं दो और इसको रूट पाँच को एज इट इज पटक देना है तो दो रूट पाँच जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है आप इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमारी एल वाली वीडियो में देख सकते हैं नेक्स्ट इफ कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू तीन बटे दो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा वैल्यू अगर तीन बटे दो हो तो इसका पहले उल्टा लिखेंगे वो क्या होता है थीटा माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी दो बटे तीन अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, अगर मैंने ऐड कर दूं, तो मैं क्या निकाल लूंगा cosec तो ट्वाइस ऑफ थीटा ऐड करने पर प्लस का कोट माइनस के कोट को काट देगा और तीन बटे दो प्लस दो बटे तीन तीन बटे दो और प्लस दो बटे तीन हम क्या कर देंगे तीन दो चार, बटे छोशक तो थीटा क्या होगा एक थीटा के पास दो भी तो है जो कहां पर मल्टीप्लाई होगा छे के नीचे तो तेरह बटे बारह क्या होगा मेरा इसका आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है नेक्स्ट ए थीटा इज इक्वल टू बी देन वट इज़ द वैल्यू ऑफ देखिए मुझे कोट बनाना है क्योंकि मुझे कोट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है कोट की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे बी अपॉन ए देखिए और अगर यहाँ से मुझे टेन लिखना हो तो टेन की वैल्यू क्या है मेरे पास ए अपॉन बी ए अपॉन बी को थीटा है तो देखिए टेन बनाना हो तो इस वाली इक्वेशन को आप किससे भाग करेंगे कोस थीटा से अगर कोट बनाना हो तो आप किससे भाग करोगे साइन से देखिए हम टेन ही बना लेते हैं अगर मैं इस इक्वेशन को कोस से भाग कर दूं तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे सिर्फ बी यहाँ क्या मिलेगा ए टेन थीटा मैं आपके लिए हर एक सवाल बिल्कुल आसान बना दूंगा और यहाँ पर क्या मिलेगा बी प्लस फिर ए टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू है कितनी मेरे पास ए अपॉन बी तो बी माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी अपॉन बी प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक ही ऑप्शन में जो कि मेरा आंसर हो जाएगा और बी नीचे बी यहां पर बिगड़ जाएगा ये बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर जो कि क्या है मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन पहले बताया था अगर कोई भी साइन कोस में ऐसा गिवन है तो थीटा की वैल्यू जीरो या नी पुट कर दें अगर जीरो पुट करूं तो साइन जीरो कितना होता है जीरो यहां से खत्म यहां से खत्म को तो जीरो वन और वन प्लस वन अपॉन वन तो वन प्लस वन अपॉन वन तो आंसर कितना आएगा दो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट यूजिंग कोसेक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सेक अल्फा सेक बीटा प्लस कोसेक अल्फा देखिए अगर आपको फंसाने के लिए ऐसे नहीं ये दे रखा है हमें इसकी ज़रूरत नहीं है हम कैसे करेंगे इसको हम पढ़ते भी नहीं इसको हमें पूछा है कि आपको यू निकालना है कोसेक सेवेंटी फाइव 75 सेवेंटी फाइव डिग्री और मुझे पता है जो साइन सेवेंटी फाइव है वो मेरा होता है रूट तीन प्लस वन अपॉन टू रूट टू ये सवाल आपको बेकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है सिर्फ आप इसका इस्तेमाल करो और क्वेश्चन में फंस जाओ मुझे निकालना है कोसेक सेवेंटी फाइव कोशेक सेवेंटी फाइव डिग्री तो कोसेक और साइन तो एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं उल्टे बिल्कुल तो ये टू रूट टू ऊपर जाएगा टू रूट टू ऊपर जाएगा और नीचे आएगा रूट तीन प्लस एक पर ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर देंगे किस से रूट तीन माइनस एक से रूट तीन माइनस एक तो ए प्लस बी ए माइनस बी नीचे तो बन जाएगा दो नीचे क्या बन जाएगा दो देखिए जब रूट तीन दो रूट दो में मल्टीप्लाई होगा तो तुम्हें क्या देगा दो रूट शे? और माइनस टू रूट टू दो यहाँ भी है दो यहाँ भी है दो यहाँ भी है आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या लगा में रूट सिक्स माइनस रूट टू इसका आंसर कितना होता है रूट सिक्स माइनस रूट टू क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास सी है नेक्स्ट एन एल्फा इज़ इजक्वल टू छन फाइंड सेक एल्फा अगर आपको पता है कि सेक स्क्ल्फा माइनस Square alpha, कोई क्वेश्चन तो तो सिर्फ आपसे नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं alpha alpha की है तो square alpha minus alpha की 6, square की वैल्यू वैल्यू दी होगी छत्तीस बराबर एक रूट तो सैंतीस क्या हो जाएगा मेरा आंसर सेल्फावल टू थर्टी सेवन सेल्फा है वो कितना होगा अंडर द रूट थर्टी सेवन जो कि ऑप्शन नंबर मैंने पहले टिक कर दिया था नेक्स्ट कोट ए इज इक्वल टू वन साइन बी इज इक्वल टू वन बाई रूट टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी माइनस कोर्ट ए प्लस बी देखिए कोर्ट ए की वैल्यू वन है तो ए वन का होता है पैंतालीस डिग्री पर कोट वन का होता है पैंतालीस डिग्री पर और इसने क्या कहा है इसने कहा है कि जो आपके पास साइन बी है वन बाय रूट टू है और साइन वैल्यू वन बाई रूट टू कहाँ देता है मुझे फोर्टी फाइव पर तो बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास फोर्टी फाइव डिग्री तो मुझे निकालना है साइन ए प्लस बी माइनस कोट ए प्लस बी देखिए ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी अगर मैं इनको ऐड कर दूँ तो मेरे पास जो ए प्लस बी है ना वो नब्बे डिग्री है और साइन नब्बे तो वन है साइन नाइनटी कितना होता है मेरा वन माइनस पर कोट नाइनटी क्या होता है मेरा जीरो और वन माइनस जीरो कितना होगा मेरे पास जीरो तो वन सॉरी वन माइनस जीरो क्या होगा मेरे पास वन तो वन क्या होगा इस सवाल का जवाब नेक्स्ट टैक थीटा अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा टैक थीटा अंडर द रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सेक थीटा देखिए वन माइनस साइन होता है मेरे पास? और ये दूसरे क्या है अपोजिट तो लेकिन अगर मैं क्या करूँ थीटा बराबर जीरो डिग्री पुट कर दू. थीटा बराबर जीरो डिग्री पुट तो साइन जीरो तो जीरो यहाँ पर वन बनेगा वन का रूट वन ही होता है और सेक जीरो कितना होता है वन तो सेकेंड में आप आंसर निकाल सकते हैं नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑप्शन साइन नाइनटी वन है कोस जीरो पैंतालीस भी वन भी भी है, भी 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 है लेकिन सेक्स सिक्सटी कितना होता है दो तो यही अलग है सबसे द वैल्यू ऑफ अंडर द रूट वन प्लस कोसा अपॉन वन माइनस कोसा कम से कम मैं अपनी उन्नीस क्लास में इस सवाल को उन्नीस बार करा चुका हूँ और इसका एक ही मेथड है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो और इसे रूट से आजाद कराओ वन प्लस थीटा अपॉन वन माइनस थीटा और जो भी मेरे पास डिनोमिनेटर में है उसके कंजुगेट से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई वन प्लस थीटा वन प्लस कोस्टिटा ऊपर क्या बनेगा ऊपर बनेगा ए प्लस बी का होल स्क् वन प्लस क्या बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा वन प्लस कोस ठीटा स्क्वायर खत्म होगा अपॉन वन माइनस को थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा जब रूट लगेगा तो क्या बनेगा साइन थीटा अब इनको अलग अलग करके लिखते हैं वन माइनस साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को थीटा तो कोसेक थीटा प्लस को थीटा क्या होगा इसका आंसर क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पांच रूट तीन कोस साठ माइनस थ्री कोश जीरो प्लस तीन को स्क्वायर पैंतालीस प्लस टू साइन स्क्वायर सिक्सटी डिग्री देखिए पाँच रूट तीन इन टू साठ होता है एक बटे दो और टेन तीस होता है एक बटे रूट तीन माइनस कोस जीरो होता है वन तो तीन प्लस कोस स्क्वायर पैंतालीस एक बटे दो यानी तीन बटे दो प्लस और साइन सिक्सटी होता है रूट तीन बटे दो तो स्क्वायर किसका कितना होगा तीन बटे चार रूट तीन से रूट तीन खत्म बनेगा पांच बटे दो माइनस तीन प्लस तीन बटे दो और प्लस तीन बटे दो तीन बटे दो और तीन बटे दो कितने बनाएंगे तीन तो पाँच बटे दो और माइनस तीन और प्लस तीन ये तो है आपस में कैंसिल आंसर कितना तो होगा पांच बटे दो जो किसके बराबर होता है दो पॉइंट पाँच के पांच बटे दो किसके बराबर होता है दो पॉइंट पाँच के जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है नेक्स्ट कोस स्क्वायर ठीटा इज इक्वल टू तीन बटे चार वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस थर्टी डिग्री थीटा एक्यूट एंगल का मतलब ये है जो थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में है तो कोस थीटा की वैल्यू निकालू तो जो कोस थीटा की वैल्यू निकलेगी वो दो निकलेंगी एक तो निकलेगी प्लस का रूट तीन बटे दो और एक निकलेगी माइनस का तीन रूट बट्टे दो हम माइनस वाला इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि जो कोस है वो पहले कोडेंट पे पॉजिटिव होता है और थीटा कोस थीटा की वैल्यू रूट तीन बट्टे दो कहाती थी? है थीटा बराबर तीस डिग्री पर यानी इस सवाल में जो थीटा है वो कितना है तीस हमसे क्या पूछा है साइन थीटा प्लस थर्टी यानी साइनस साठ डिग्री और साइन साठ भी क्या होता है जो मेरा कोस तीस होता है तो रूट तीन बटे दो क्या होगा इस सवाल का जवाब जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी है नेक्स्ट कोस 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन थर्टी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स साइन ए बराबर कोस बी होगा हमेशा कब जब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री कोस चालीस प्लस एक्स यानी इन दोनों की जो वैल्यू है वो डिग्री है फोर्टी प्लस एक्स फोर्टी प्लस एक्स और प्लस तीस जो भी साइन और कोस में इनको ऐड कर दो नब्बे के बराबर होगा एक्स का वन कितना हो जाएगा बीस डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे पास वन बाय साइन थीटा माइनस साइन थीटा वन बाय साइन थीटा कितना होता है देखिए इसको उधर ले जाते हैं ये बनेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा एक कोस थीटा साइन थीटा के साथ मिलकर क्या बना देगा कोट और एक मेरे पास कोस रह जाएगा अकेला एक जोड़ा बना लेगा एक रह जाएगा अकेला तो कोट थीटा और कोस थीटा क्या होगा इसका आंसर नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ कोसेक 30 माइनस कोस देखिए कोसेक कोस थर्टी कितना होता है दो और को सिक्सटी एक बटा दो अगर दो में से आधा घटाओगे तो कितना बनेगा तीन बटे दो जो तो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रैंगल एंगल बी इज इक्वल टू नाइन्टी टेन ए इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए को सी प्लस कोस ए साइन सी साइन ए को सी प्लस कोस ए साइन सी देखिए ये जो फॉर्मूला है ना ये साइन ए प्लस बी है साइन ए प्लस सी है ये साइन ए प्लस सी साइन ए प्लस सी क्या होगा साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी और जब बी नाइनटी है अगर राइट एंगल ट्रैंगल है और जो ए कोण तो नब्बे डिग्री का है तो जो तो बचे दोनों है उसका सम भी कितना होगा नाइन्टी डिग्री और आपको पता है अगर ए प्लस सी का मान नाइन्टी डिग्री है तो साइन नाइन्टी कितना होता है वन सोल्व ही नहीं करना आंसर कितना है इसका वन क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए है नेक्स्ट कोस एक्स प्लस सेक एक्स इज इक्वल टू सात बटे दो रूट तीन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अभी बताया था कि अगर कोई x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर एम की फॉर्म में हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है एम स्क्वायर माइनस टू तो मुझे क्या निकालना है मुझे बताया कोस और सेक एक दूसरे के अपोजिट हैं और मुझे इनके स्क्वायर निकालने हैं तो कैसे होगा सात बटे दो रूट तीन का स्क्वायर कर दीजिए तो उनचस बटे दो दुनिया चार या बारह और माइनस दो तो उनचस माइनस चौबीस बटे बारह उनचास माइनस चौबीस बटे बारह अगर उनंचस में से चौबीस घटाओगे तो क्या बनेगा पच्चीस बटे बारह पच्चीस बटे मेरा वन ऑफ द ऑप्शन होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास डी है नेक्स्ट एन ए इज इक्वल टू तीन बटे आठ फाइंड द वैल्यू ऑफ देखिए कोस से डिवाइड करते हैं यहाँ क्या बनेगा तीन टेन ए प्लस टू अपॉन तीन टेन ए माइनस टू ए टेन ए की वैल्यू कितनी है तीन बटे आठ तो तीन गुना तीन बटे आठ और प्लस दो बटे तीन गुणा, तीन बटे आठ और माइनस दो बराबर देखिए तीन तिया नौ और आठ दुनी सोलह सोलह नौ होते हैं पच्चीस तो ऊपर तो आएगा पच्चीस ऊपर पच्चीस दो ऑप्शन में है तो देखिए दो तो खत्म हो चुके ये भी खत्म ये भी खत्म तीन तिया नौ और माइनस सोलह देखिए यहाँ पर आप एट आएगा यहाँ पर कितना आएगा अगर नौ में से आप सोलह घटाएंगे तो माइनस सात बटे आठ 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 को कैंसिल कर देगा तो मेरा आंसर आएगा माइनस पच्चीस बटे सात जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट टेन तिरालीस सौ चौरासी डिग्री प्लस कोट अड़सठ सौ चौदह डिग्री देखिए इस सवाल को बिना सॉल्व करे ही सॉल्व करते हैं मतलब बिना सॉल्व करे ही सॉल्व करते हैं कैसे अगर इसका आंसर में दो मान लूँ दो कब मिलेगा जब यहाँ से भी एक मिले यहाँ से भी एक मिले और टेन और कोट मुझे जो एक आंसर देंगे वो पैंतालीस पर देते हैं पैंतालीस से कोई कटने वाला नंबर कौन सा होगा जिसके या तो लास्ट में पाँच हो या जीरो हो तो ना तो यहाँ पर पाँच है ना यहाँ जीरो है ये दो तो खत्म माइनस वन आंसर मुझे कब मिल सकता है या तो इन दोनों में क्या हो एक जीरो हो एक माइनस वन हो ना तो इनमें से कोई अकेला जीरो आ सकता ना इन दोनों में से अकेला कोई एक या माइनस एक आ सकता क्योंकि जीरो आने के लिए भी क्या होना चाहिए टेन जीरो जीरो होता है कोर्ट ना नाइन्टी जीरो होता है नाइन्टी से ना ये कटता ना जीरो से ये कटता तो आंसर ना माइनस वन हो सकता वन होने के लिए क्या होना चाहिए एक जीरो हो तो एक क्या हो वन हो यह भी नहीं हो सकता आंसर क्या होगा जीरो और वो कैसे होगा वो तब होगा कि अगर यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी उसकी अपोजिट वैल्यू यहाँ होगी अगर यहाँ पर टेन तीस हो तो यहाँ पर उसका अपोजिट होगा अब इसको करते हैं सॉल्व देखिए टेन तिरालीसौ चौरासी डिग्री को मैं क्या ले सकता हूं देखिए हम तिरालीसौ चौरासी को एक सौ अस्सी से भाग करते हैं जैसे मैंने आपको सिखा रखा है अट्ठारह दूनी छत्तीस तीन सौ साठ तो आठ और तेरह में से गया सात और चार अट्ठारह चौक बहत्तर पांच सौ बीस तो चौसठ बनेगा रिमाइंडर यानी मैं इसको क्या ले सकता हूँ टेन तिरसठ तिरालीस सौ चौरासी को मैं क्या ले सकता हूँ टेन ट्वेंटी फोर इंटू वन एट्टी और प्लस सिक्सटी फोर ये मैं लिख सकता हूँ टेन तिरालीस सौ चौरासी को अब ऐसे ही मुझे किसे लिखना है देखिए मैंने आपको एक कॉन्सर्ट सिखा रखा है इस लाइन पर क्या लिखता हूँ मैं हमेशा ओड मल्टीपल और इस लाइन पर क्या लिखता हूँ मैं ई वन मल्टीपल किसके वन एट्टी के चौबीस एक सौ अस्सी का इवन मल्टीपल है यानी ये इस लाइन यहां पर होगा और इसमें भी कितना चौंसठ प्लस यानी जो टेन है ना ये ये यहां पर है कहीं और यहाँ पर टेन कैसा होता है पॉजिटिव की पहला एक है टेन वन एट्टी प्लस थीटा क्या होता है टेन थीटा यानी इसकी वैल्यू होगी टेन चौंसठ यानी कि मेरे पास जो ये है ना टेन तिरालीस सौ चौरासी इसकी वैल्यू टेन चौंसठ है अब मुझे ऐसे निकालनी है अड़सठ सौ चौदह की अब मैं क्या करूँगा टेन अड़सठ कोट कोट अड़सठ सौ चौदह डिग्री निकालूंगा इज इक्वल टू सबसे पहले क्या करेंगे अड़सठ सौ चौदह को भाग करेंगे किससे एक सौ अस्सी अठारह तिया चौवन सबको बताएं पाँच सौ चालीस आएगा एक का एक आठ में चार गया चार और छः में से पाँच गया एक और चार आठ में से चार गया चार एक आठ में से चार गया चार और एक और चार अट्ठारह अट्ठे इसके पास पहुंचना है चौदह सौ चालीस तो रिमाइंडर तो है पर माइनस का कितना है छब्बीस है माइनस का छब्बीस तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ पोट अड़सठ चौदह को मैं ले सकता हूँ पोट एक सौ अस्सी माइनस अड़तीस एक सौ अस्सी अड़तीस और माइनस के छब्बीस ये मैं किसे ले सकता हूं कोट अड़सठ सौ चौदह को अब देखिए यहां पर का कैसा मल्टीपल है इवन इसमें से कितने घटा रहे हो आप छब्बीस यानी ये वाला कोण कहां पर है यहां पर है और यहाँ पर ये चौथा क्वाड्रेंट है चौथे क्वाड्रेंट में कोट कैसा होता है नेगेटिव यानी इसको मैं क्या ले सकता हूं ये है क्या मेरे पास माइनस कोट छब्बीस डिग्री जिसको मैं क्या ले सकता हूँ माइनस के टेन चौंसठ तो टे डिग्री यानी कि मेरे पास जो टेन तिरालीस सौ चौरासी है उसकी वैल्यू है कितनी टेन चौंसठ और ये कितना आएगा माइनस टेन चौंसठ और माइनस से माइनस कटेगा आंसर कितना आएगा ज़ीरो जो कि मैंने आपको पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी नेक्स्ट इफ ए इज इक्वल टू साढ़े बाईस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दे के टेन रूट साढ़े बाईस साढ़े बाईस गुना तो होते हैं पैंतालीस तो दस रूट दो गुना साइन पैंतालीस होता है वन बाय रूट टू माइनस सात रूट दो कोस टू एनि फिर कोस पैंतालीस वन बाय रूट टू और प्लस नौ रूट टू से रूट टू कटेगा तो दस माइनस सात प्लस नौ दस और नौ उन्नीस में सात घटाओगे तो बारह क्या होगा सवाल का आंसर नेक्स्ट साइन छः सौ डिग्री कोस सात सौ पचास डिग्री प्लस साइन डेढ़ सौ डिग्री कोस दो सौ चालीस डिग्री देखिए अगर साइन छः सौ की वैल्यू निकालनी है साइन छः सौ डिग्री इसको मैं ले सकता हूँ साइन एक सौ अस्सी गुना तीन अट्ठाती चौवन पांच सौ चालीस और प्लस साठ डिग्री अगर एक सौ अस्सी का कैसा मल्टीपल हो मेरे पास ओड मल्टीपल हो यहां पर आऊंगा मैं और इवन हो तो यहाँ पर आऊंगा एक सौ अस्सी गुना तीन प्लस साठ यानी एंगल जो साइन वाला है वो कहां पर यहां पर है और यहां पर साइन कैसा होता है नेगेटिव तो इसका आंसर होगा माइनस साइन सिक्सटी डिग्री ये कितना होगा मेरे पास माइनस साइन सिक्सटी डिग्री इसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस रूट तीन बटे दो तो पहली वैल्यू क्या निकलेगी माइनस रूट तीन बटे दो अब कर हैं दूसरे वाला दूसरे वाला कौन सा है हमारे पास कोस सात सौ पचास कोस सात सौ पचास डिग्री इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस एक सौ अस्सी गुना चार अट्ठारह चौक बहत्तर और प्लस तीस भाई सात सौ बीस में अगर तीस जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे पास साढ़े सात सौ एक सौ अस्सी गुना चार एक सौ अस्सी का इवन मल्टीपल उसमें भी कितना तीस डिग्री तो यहां पर है एंगल इसलिए मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूं और ये पहला क्वाड्रेंट है पहले क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है पॉजिटिव और कोस वन एट्टी प्लस क्या होता है थीटा और कोस थर्टी भी कितना होता है मेरे पास रूट तीन बटे दो तो को सा छः सौ और सॉरी साइन छः सौ और को साढ़े सात सौ जो दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा एक तो बनेगा माइनस रूट तीन बटे दो अरे के तीन बटे दो तो माइनस के तीन बटे चार तो मुझे यहाँ से मिल गया अब बाकी है इन दोनों की प्लस अब मुझे निकालना है साइन डेढ़ सौ देखिए साइन डेढ़ सौ तो आसान है साइन डेढ़ सौ कितना होता है इज इक्वल टू इसको ले सकते हैं साइन वन एट्टी माइनस थर्टी और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है मेरा पॉजिटिव तो ये साइन तीस है और साइन तीस की वैल्यू कितनी होती है एक बटे दो तो ये तो मेरे पास वन बाई टू है अब बच गया मेरे पास कोस दो सौ चालीस कोस दो सौ चालीस डिग्री को मैं क्या ले सकता हूँ कोस एक सौ अस्सी में तोड़ लीजिए एक सौ अस्सी प्लस साठ एक सौ अस्सी प्लस साठ यानी फिर एंगल कौन सा है? थर्ड क्वारेंट है थर्ड क्वारेंट में जो कॉस है वो कैसा होता है नेगेटिव तो माइनस कोस साठ माइनस कोस सिक्सटी जो कि वैल्यू होगी माइनस एक बटे दो माइनस एक बटे दो तो माइनस तीन बटे चार माइनस तीन बटे चार और माइनस एक बटे चार आंसर आएगा माइनस ए क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास ए ही है नेक्स्ट इफ थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू पाई बाई टू साइन थीटा वन इज इक्वल टू वन बाई टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा टू देखिए थीटा वन प्लस थीटा टू थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू कितनी है नब्बे पाई बाई टू का मान कितना होता है नब्बे इसने कहा जो साइन थीटा वन है साइन थीटा वन की जो वैल्यू है वो वन बाई टू है जो साइन तीस पर होती है साइन तीस डिग्री तो साइन से साइन कटेगा थीटा वन की वैल्यू कितनी है तीस डिग्री अगर थीटा वन तीस है तो थीटा टू कितना होगा साठ डिग्री और साठ डिग्री को अगर मुझे पाई में लिखना हो तो कितना होता है पाई बाय थ्री जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास बी है नेक्स्ट थ्री एक्स इज इक्वल टू सेक एंड थ्री बाई एक्स इज इक्वल टू टेन ए क्ल टू देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है sec square A minus square A की वैल्यू कितनी होती है वन ठीक है हम इसी का यूज करेंगे अगर यहाँ से हम सेग स्क्वायर ए ए निकाल लें सेक स्क्वायर ए निकाल लें तो कितना बनेगा दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे नाइन एक्स स्क्वायर उधर से अगर हम क्या निकाल लें टेन स्क्वायर ए तो क्या बनेगा नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू और नो no कॉमन ले लें बाहर तो क्या मिलेगा मुझे एक्स स्क्वायर और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखेंगे आपको यही निकालना है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी है वन बराबर और जो निकालना है वो कहाँ है मेरे पास ये आंसर कितना आएगा इसका वन क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है सी है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वा नेक्स्ट टेन की पावर चार ठीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एलेवन कोस की पावर चार थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा देखिए ऐसे सवाल को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो कोस की पावर चार है ना इसे खत्म करना है क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा वन होता है तो मुझे इसमें साइन स्क्वायर थीटा बनाना है अगर मैं ऊपर से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ टेन स्क्वायर थीटा क्या ले लूँ कॉमन अंदर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज़ इक्वल टू वन तो बात तो मेरी बन चुकी है देखिए टेन स्क्वायर थीटा ये है क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन ये है क्या साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और अगर मैं सेक को भी खोल दूँ तो क्या बनेगा वन अपॉन कोस स्क्वायर थीठा की वैल्यू कितनी है वन तो साइन स्क्वायर थीटा अपने आप बता देगा क्या होगा कोस की पावर चार ठीटा यानी जहां पर मेरे पास कोस की पावर चार ठीटा है वहां पर मैं क्या ले सकता हूँ साइन स्क्वायर ठीटा ग्यारह तो बाहर तो है ही और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वन तो ग्यारह क्या होगा मेरा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है नेक्स्ट ट्वेंटी वन कोस ए प्लस थ्री साइन ए अपॉन कोस ए प्लस फोर साइन ए इज इक्वल टू टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दीजिए तो सिक्स कोस ए सिक्स कोस ए और प्लस एट साइन ए इज इक्वल टू इक्कीस कोस ए और प्लस थ्री साइन ए थ्री साइन ए साइन को एक तरफ कोस को एक तरफ देखिए आठ में से तीन घटाओगे पाँच तो पाँच साइन ए इज इक्वल टू इक्कीस में से घटाओगे पंद्रह पंद्रह कोस ए हमें क्या निकालना है कोट ए तो साइन को उधर लेके जाएंगे तो कोट ए की वैल्यू कितनी होगी पंद्रह को उधर लेके आएंगे पाँच बट्टे पंद्रह जो कि किसके बराबर है एक बटा तीन के जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है ए है तो इसी के साथ हमारा सन 2022 का पी जी एल टीयर फर्स्ट ख़त्म होता है और हमने पूरी टिक्नोमेट्री 19 लेक्चर्स में ख़त्म करी है जो सारे के सारे आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में भावना एजुकेशन हब पर मिल जाएंगे तो आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर ज्योमेट्री में तब तक के लिए धन्यवाद